हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कुर्ता सेट्स जो कि मैंने परचेज़ किए हैं अमेज़न से, और मैं उन तीनों का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। एंड ट्राई ऑन हॉल भी होने वाला है कि वियर करने के बाद ये कैसा लुक देते हैं। और तीनों ही कुर्ता सेट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अमेजिंग है, तो कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाइज, आई होप आपको मेरी चॉइस पसंद आएगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पास में है बेल आइकन, जरूर टर्न कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो फर्स्ट कुर्ता सेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये मेरे फेवरेट ब्रांड से है और ये है मैक्स से। तो मैक्स के जो कुर्ते आते हैं वो मुझे स्पेशली पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसका इनकी वीडियो मैंने एक बार पहले भी शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि ये जो कुर्ते आते हैं वो सिल्क फैब्रिक में आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिच लुक देते हैं। तो ये वाला कुर्ते मैं काफ़ी टाइम से परचेज़ करना चाहती थी, पर इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं होते, और जैसे ही अवेलेबल होते हैं बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं अमेज़न पे। तो आप जल्दी से जाके चेकआउट कर लीजिए। ये आपको पूरा मस्टर्ड कलर में कुर्ता मिलेगा, अलाइन कुर्ता है, फुल लेंथ में मिलेगा। अंदर आपको इसमें स्लीवलेस एक इनर मिलेगा ग्रे कलर में, उसमें पूरे पे फॉइल प्रिंट किया हुआ है। और इसका जो फैब्रिक है वो है चंदेरी सिल्क फैब्रिक, पूरे पे इस तरीके से जरी से छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बीच में से आपको ये फ्रंट कट मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा मुझे कुर्ते का पैटर्न लगा, बहुत ही रिच लुक देता है, और अंदर इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं दी हुई है। तो गाइस, जो मैट्स के कुर्ते आते हैं उनका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहता है और बहुत अच्छे लगते हैं, मटेरियल बहुत ही अच्छा है। तो अंदर ग्रे कलर के पे पूरे से आपको एक गोल्डन कलर का फॉयल प्रिंट मिल जाएगा, और ऊपर जो मस्टर्ड कलर का आपको जैकेट मिलेगी उस पर आपको पूरे पे जरी से जो है छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इसे सिल्वर ज्वेलरी के साथ भी कैरी करते हैं तो काफ़ी अच्छा अमेजिंग लुक मिलेगा। मैंने इसको सिल्वर ज्वेलरी के साथ कैरी किया हुआ है और बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और इसमें मेरा साइज है स्मॉल, तो बहुत कम साइज़ अमेज़न पे अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको राउंड नेक मिलेगी, 3-4 स्लीव्स मिलेगी, और काफ़ी अच्छा पैटर्न लगा मुझे इस कुर्ते का, मस्ट बाय है। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप बाय करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I've never got no regret. The hours. तो अब नेक्स्ट कुर्ता सेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है ब्रांड जयपुर कुर्ती से। काफ़ी अमेजिंग है इसके कुर्ते सेट और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी हैं। इसमें भी 6 से 7 पैटर्न जो है अमेज़न पे अवेलेबल है, मैंने ये वाला चूज़ किया। सभी के कलर्स भी अलग अलग हैं, पैटर्न भी अलग अलग हैं। तो मुझे ये सी ग्रीन और जो पिंक कलर का कॉम्बिनेशन है काफ़ी यूनिक लगा। तो इसकी नेक की हम बात करते हैं, नेक आपको वी इसमें देखने को मिल जाएगी, और पूरे नेक पे जो है थ्रेड, जरी के थ्रेड से पूरे लाइनिंग की हुई है। अंदर भी इसमें पूरे पे इनर दिया हुआ है, लाइनिंग है अंदर भी सूट के, तो काफ़ी अच्छा सूट लगा। मटेरियल की हम बात करते हैं, मटेरियल सिल्क और कॉटन में कुछ मिक्स मटेरियल है इसका। 3/4 इसमें स्लीव्स मिलेंगी, स्लीव्स पे भी आपको सी ग्रीन कलर का बॉर्डर मिल जाएगा। पैंट की बात करते हैं, पैंट आपको पूरी सी ग्रीन कलर में मिलेगी, और नीचे जो है रानी कलर से इसमें डिटेलिंग की हुई है। काफ़ी अच्छी पैंट लगी मुझे, और कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, यूनिक है। बहुत ज़्यादा सिंपल सूट है लेकिन पहनने के बाद बहुत ही रिच लुक देता है। ऊपर पैंट में आपको इसमें इलास्टिक दिया हुआ है। तो मैंने इसमें जो साइज़ परचेज़ किया है वो है स्मॉल, डबल एक्सल तक का साइज़ अवेलेबल है। सभी के अलग अलग पैटर्न है, आप कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा सूट है, स्पेशली इसका जो दुपट्टा है ब्रॉकेट का दुपट्टा है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। जो इसका प्रिंट किया हुआ है बहुत ज़्यादा यूनिक प्रिंट है, पिंक और सी ग्रीन कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वियर करने पे भी। क्योंकि अगर शादी में भी हम कहीं जाते हैं तो इस कलर, ये जो डार्क कलर्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ब्राइट कलर्स। और पूरे पे जो है छोटे छोटे प्रिंट किया हुआ है, और रानी कलर का साइड में बॉर्डर दिया हुआ है। बहुत अमेजिंग लगा मुझे ये कुर्ता सेट। प्राइस की मैं बात करती हूँ, 975 रुपीज़ में मुझे ये मिला है, और काफ़ी अमेजिंग है। 3/4 स्लीव्स के साथ, वी नेक के साथ काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। तो आप इसे अच्छे से ज्वेलरी के साथ कैरी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अमेजिंग लुक मिलने वाला है इससे आपको। I've been flipping pages since I could remember.
that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never want to look back and wish I could have been. तो गाइस जो नेक कुर्ता सेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है जिया से, जिया ब्रांड का है ये। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये वाला ब्रांड से कुछ परचेज़ किया है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये कुर्ता सेट। 8 सिल्क में आपको मिलेगा, क्रीम कलर का कुर्ता सेट है जिसमें आपको मैरून और जो है ग्रीन कलर से पूरे पे आपको प्रिंट देखने को मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा सा कुर्ता सेट लगा मुझे क्रीम कलर में। ये वाला कुर्ता सेट जो है विदाउट दुपट्टा है, इसमें आपको राउंड नेक मिलेगी, 3/4 स्लीव्स मिलेगी और जो है 3/4 स्लीव्स पे भी अच्छा सा इसमें प्रिंट दिया हुआ है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला कुर्ता सेट। पैंट की हम बात करते हैं तो इसमें आपको नैरो पैंट मिलेगी और बहुत ही अच्छी पैंट है, फुल प्रिंट आपको इसमें पैंट देखने को मिल जाएगी जिसपे भी पूरे पे प्रिंट किया हुआ है जो है रानी पिंक और जो ग्रीन कलर से पूरे पे प्रिंट किया हुआ है। काफ़ी अच्छा सा अमेजिंग सा प्रिंट लगा मुझे। तो इसमें साइज की मैं बात करती हूँ, इसमें मैंने स्मॉल साइज़ परचेज़ किया है, इसमें भी डबल एक्सल तक का साइज़ अमेजोन पे अवेलेबल है और ऊपर जो है इसमें इलास्टिक दिया हुआ है। जो पैंट है वो है कॉटन में आपको ये पैंट मिलेगी और जो कुर्ता है वो 8 सिल्क में मिलेगा। अंदर इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं दी हुई है। काफ़ी अच्छा कुर्ता सेट लगा और मुझे 910 रुपीज़ में कुछ ऐसे में मिला है, तो ये काफ़ी अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग। बस थोड़ा मुझे ये लगा जब मैंने इसको ओपन किया तो इसकी फिनिशिंग क्वालिटी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी क्योंकि पूरे पे ऐसे धागे लटके हुए थे। बाकी ऑल ओवर मुझे ये कुर्ता सेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, विदाउट दुपट्टा है ये वाला कुर्ता सेट। I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. Late on the weekdays. I never tell when we say. Oh.